हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर ऑफ ग्रेट माइंड्स में, जहां पे हम महान हस्ती की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एस्थर बर्जर के बारे में, जो कि नेदरलैंड्स की फॉर्मर व्हीलचेयर पे खेलने वाली खिलाड़ी थी। जुलाई 1981 में एस्थर का जन्म हुआ था बोर्डन नेदरलैंड्स में। 6 साल की उम्र में स्विमिंग के दौरान उनको चक्कर आने लग पड़े और वो बेहोश हो गई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे पता चला कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गई है। उनके दिमाग में शंट डाला गया। 6 हफ्तों के बाद हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। 8 साल की उम्र में उनको फिर से सर दर्द की समस्या हुई, पर डॉक्टर्स को इसका कोई भी कारण पता नहीं चल पाया। कुछ समय के बाद उनको फिर से ब्रेन स्ट्रोक्स की समस्या हो गई। दिमाग में उनके फिर से शंट डालना पड़ गया। आखिरकार डॉक्टर्स को उनके स्पाइनल कॉर्ड में समस्या मिली। 9 घंटे तक उनका ऑपरेशन चला, पर वो अपनी टांगों को हिला नहीं पा रही थी और वो हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गई। रिहैबिलिटेशन के दौरान एस्थर ने व्हीलचेयर पे ही वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस खेलना शुरू कर दिया। उनको नेदरलैंड्स की नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम में चुना गया और 1997 में उस टीम ने यूरोपियन चैंपियनशिप भी जीती। अपने बेहतरीन टेनिस के खेल की बदौलत 1998 में एस्थर ने व्हीलचेयर टेनिस मास्टर का खिताब भी जीता, जहां से शुरू होता है उनके सुनहरे भविष्य का सफर। एस्थर अपने टेनिस करियर में 48 बार मेजर टाइटल जीत चुकी हैं, 21 बार सिंगल्स में और 27 बार डबल्स में। इसके अलावा वो 7 बार पैरा ओलंपिक्स गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं, 4 बार सिंगल्स में और 3 बार डबल्स में। 1999 में एस्थर वुमेन सिंगल्स में वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी बनी। 2013 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। 10 सालों तक उनको कोई भी खिलाड़ी हरा नहीं पाया और उन्होंने लगातार 470 मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इस कहानी से एस्थर ने साबित कर दिया कि जब दिमाग में कुछ करने का जोश होता है तो अपाहिज शरीर भी उसे रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल ऑरा ऑफ ग्रेट माइंड्स को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।